हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग हैगर रैंक की एक और प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है पॉसिबल पाथ। तो आइए इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। एडम इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए बी इन एन इनफाइनाइट 2D ग्रिड। ही वांट्स टू नो इफ ही कैन रीच टू द पॉइंट एक्स वाई और नॉट। द ओनली ऑपरेशन ही कैन डू इज टू मूव टू अ पॉइंट ए प्लस बी बी ए ए प्लस बी ए माइनस बी बी और ए बी माइनस ए फ्रॉम सम पॉइंट ए बी। इट इज गिवेन दैट ही कैन मूव टू एनी पॉइंट ऑन द 2D ग्रिड, दैट इज द पॉइंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। टेल एडम वेदर ही कैन रीच टू एक्स वाई और नॉट। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम रिलेट करती है हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कॉन्सेप्ट से। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आपको अगर किसी एक नंबर का जीसीडी फाइंड करना है, लेट से वो नंबर्स ए बी हैं, देन अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो हम जीसीडी फाइंड करते हैं ए माइनस बी और बी का। इसी तरह से अगर मेरे पास बी ग्रेटर देन ए है तो हम जीसीडी फाइंड करते हैं ए और बी माइनस ए का। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी, तो जीसीडी ऑफ ए बी जो होता है दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड जीसीडी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी माइनस ए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर आप देखें कि हम ए बी से यहाँ पे पहुंच सकते हैं और ए बी से यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हैं, और ऐसा करते करते अगर हम एक्स वाई पे पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अचीव कर लिया ए बी से एक्स वाई। तो अगर हम ऐसा कहें कि जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, जो टारगेट पॉइंट्स हैं एक्स वाई, उनका जीसीडी अगर हमारे सोर्स पॉइंट पे जीसीडी के इक्वल है तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और अगर हमने ये कहा है कि रिड्यूस करने से जो पॉइंट्स हैं वो जीसीडी ए बी से जीसीडी ए माइनस बी बी या जीसीडी ए से ए और बी माइनस ए पे हम रीच करते हैं, तो इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जाएं, इसका मतलब है कि हम ए से ए प्लस बी चले जाएं या ए से ए कॉमा ए प्लस बी चले जाएं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो जीसीडी को ही बता रहा है कि अगर हम वैल्यूज को कम करते करते, शॉर्ट करते करते जीसीडी एक्स वाई पे पहुंच जाएं, या फिर हम वैल्यूज को बढ़ाते बढ़ाते एक्स वाई पॉइंट्स पे पहुंच जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपली जीसीडी से रिलेट करता है। आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में कहा गया है कि मेरे पास तीन टेस्ट केसेस हैं, और ये जो तीन टेस्ट केसेस हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या 1-1 से 2-3 पहुंच सकते हैं क्या। तो हमने देखा कि जो जीसीडी ऑफ 1-1 है दैट इज इक्वल्स टू 1, और जीसीडी ऑफ जो 2-3 है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो ये सोर्स पॉइंट्स मेरे हैं, ये टारगेट पॉइंट्स हैं, जो कि इनके जीसीडी इज इक्वल है। इसका मतलब कि हम कहेंगे कि हम एक्स वाई से ए बी से एक्स वाई पहुंच सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरा वाला टेस्ट केस ले लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 2-1 से 2-3 पहुंचना है। सो 2-1 का जो जीसीडी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और जो 2-3 का जीसीडी होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। इस एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे समझें कि हमें 2-1 से स्टार्ट करना है और 2-3 पे पहुंचना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट बी है जिसमें अगर हम इसको ऐड कर दें तो हम 2-3 पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वाला टेस्ट केस लेते हैं जहाँ पे 3-3 और 1-1 है। तो अगर 3-3 का हम जीसीडी निकालें तो ये 3 आएगा, और 1-1 का जो जीसीडी है वो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जीसीडी डिफरेंट है तो हम नहीं पहुंच सकते ए बी से एक्स वाई। ये लॉजिकली भी ट्रू है। अगर आप देखें कि अगर हम 3-3 से स्टार्ट करें अपना टूर, सो अगर हम माइनस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हम 3-0 या 0-3 पहुंच सकते हैं, और ये हमें कभी भी 1-1 पे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आप 3 में से अगर आप 0 को ऐड करें या 0 को प्लस करें तो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप या तो 3-3 से 3-0 जा सकते हैं या 0-3 जा सकते हैं या वापस यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 1-1 पे नहीं पहुंच सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा नो होगा। तो अभी तक हमने जो सोल्यूशन निकाला है लॉजिकली, इसको हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये कंसोल है जिसमें मुझे अपना कोड लिखना है। तो मेरे पास
इसमें लॉन्ग ए और लॉन्ग बी गिवन है, लॉन्ग एक्स एंड लॉन्ग वाई गिवन है। मुझे क्या करना है कि दो जीसीडी फाइंड करना है, एक में ए बी का जीसीडी फाइंड कर लेता हूँ, लेट्स से दैट इज G1, फिर मैं एक्स वाई का जीसीडी फाइंड कर लेता हूँ, लेट्स से दैट इज G2। अगर G1 इज इक्वल टू G2 है तो हम यस रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम नो रिटर्न करते हैं। इस क्वेश्चन का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, यस या नो में हमें आंसर देना है। जीसीडी फाइंड करने के लिए आप दो में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज किया है, जिसमें कि अगर दो नंबर पी और क्यू गिवन है तो पी अगर 0 हो जाता है तो रिटर्न क्यू, अदरवाइज अगर क्यू रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न पी, अदरवाइज ना पी 0 है ना क्यू 0 है, तो अगर पी ग्रेटर देन क्यू है तो वी विल रिटर्न जीसीडी ऑफ पी मॉडुलस क्यू क्यू, एंड अगर क्यू ग्रेटर देन पी है तो वी विल रिटर्न जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू मॉडुलस पी। आप इसमें सब्सट्रैक्शन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज किया है मॉडुलस मेथड से। आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया है। फिर हमने सबमिट किया एंड लेट्स से कि सबमिशन के बाद सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को, जो कि पॉसिबल पाथ है हैकर रैंक पे मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम, इसको हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम अगेन विद न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।